प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया और कार्यक्रम में मोदी ने काशी और तमिलनाडु की संस्कृति के बीच समानता का जिक्र भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि काशी के निर्माण और विकास में तमिलनाडु ने बड़ा योगदान दिया है। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं और दोनों शक्तिमय हैं। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। काशी तमिल संगमम का यह आयोजन तब हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। अमृतकाल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संभो मनासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। हमारे देश में सुबह उठकर सौराष्ट्रे सोमनाथम से लेकर सेतु बंधे तु रामेशम तक 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण की परंपरा है। हम देश की आध्यात्मिक एकता को याद करके हमारा दिन शुरू करते हैं। हम स्नान करते समय, पूजा करते समय भी मंत्र पढ़ते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात गंगा यमुना से लेकर गोदावरी और कावेरी तक सभी नदियां हमारे जल में निवास करें।